हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग कन्नड़ा में स्पेशल बातें करेंगे। बातें करना शुरू करेंगे। शुरू कैसे करते हैं? शुरू करते हैं जब हम किसी से पूछते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं, आपको हिंदी आती है क्या, है ना। यदि वो व्यक्ति कह देता है कि हाँ हमें हिंदी आती है, तब तो हम मजे के साथ आराम से बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब उसे हिंदी नहीं आती, हमें पूछना पड़ता है, आपको कन्नड़ा आती है क्या, क्या आप मुझे कन्नड़ा सिखाएंगे, मुझे कन्नड़ा नहीं आती, मुझे कन्नड़ा आती है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, इसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं, मैं समझ नहीं पाई, मुझे फिर से समझाइए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें तो बहुत होती है ना। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी भी बातें करेंगे। बिल्कुल, आओ कन्नड़ा में बातें करना शुरू करें। आज हम लोग कौन कौन सी बातें करेंगे, पहले उसे देख लेते हैं। मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, यदि सामने वाला व्यक्ति हमसे बातें कर रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा ना, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, इसे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले व्यक्ति उसे कन्नड़ा ही आती है, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। क्या तुम्हें कन्नड़ा आती है? मुझे कन्नड़ा नहीं आती। क्या तुम्हें कन्नड़ा आती है? क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहती हो? क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो? मुझे अभी दफ्तर जाना है, मुझे अभी बाजार जाना है, ठीक है। इसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं, किसी भी चीज को इसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं, मैं समझ नहीं पाई, एक बार फिर से समझाएंगे क्या। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी तरह के वाक्य को कन्नड़ा में कैसे बोलेंगे उसे देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, नहीं के लिए पहले ही बता दिया गया था, यहाँ पे जो है ना, अल्लाह इल्ला इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, मुझे ननगे, याद है ना, ननगे, कन्नड़ा तो कन्नड़ा रहेगा, कन्नड़ा नहीं आती है। बरल्ला, बरल्ला ने या फिर बरोदिल्ला, दोनों बोल सकते हैं, बरल्ला बरोदिल्ला। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आप जहां रहते हैं नियर बाई लोग बरल्ला का प्रयोग करते हैं तो आपको बरल्ला बोलना होगा, बरोदिल्ला का प्रयोग करते हैं तो बरोदिल्ला बोलना होगा, ठीक है ना। नंगे कन्नड़ा बरल्ला, नंगे कन्नड़ा बरल्ला, मतलब मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, नंगे कन्नड़ा बरल्ला नहीं आती है। और फ्रेंड्स, यदि आती होगी तो क्या बोलेंगे, आती होगी तो बरत्ते, बरल्ला हो गया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बरल्ला हो गया ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा बरत्ते, बरत्ते मतलब आती है, नहीं आती है तो नंगे कन्नड़ा बरत्ते, मुझे कन्नड़ा आती है, नंगे कन्नड़ा बरल्ला मतलब मुझे कन्नड़ा नहीं आती है। यदि हमें कहना है क्या तुम्हें कन्नड़ा आती है, यदि हमें पूछना है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, जिस तरह से बरत्ते आती है हुआ ना, उसी प्रकार से बरत्ता, बरत्ता आती है क्या, आती है क्या, बरत्ता आती है क्या, बरत्ते आती है, कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ट्रिक हम लोग को जानना है, इसके आधार पर हम लोग बहुत आसान तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बिना मेहनत के सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्या तुम्हें कन्नड़ा आती है, निन्गे तुम्हें, निन्गे कन्नड़ा बरत्ता, तुम्हें कन्नड़ा आती है क्या, निन्गे मतलब तुम्हें कन्नड़ा बरत्ता आती है क्या, निन्गे कन्नड़ा बरत्ता तुम्हें कन्नड़ा आती है क्या, आपको आंसर देना है, आती है बरत्ते, नहीं आती है बरल्ला, है ना आसान, सिर्फ एक चीज से चले फ्रेंड्स, बरल्ला, बरल्ला नहीं आती है, बरत्ते आती है, ठीक है ना, बरत्ता आती है क्या, बरत्ता आती है क्या। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चल जाइए, ठीक है। चलिए, आती है को बरत्ते, साथ ही बरोत्ते भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी ना बरोत्ते, तो आप ध्यान रखिए कि क्या बोलना है आपको, ठीक है ना। आसपास में लोग कैसे बोलते हैं, बरत्ते बरोत्ते दोनों का प्रयोग करते हैं, बरत्ते बरोत्ते। एक और चीज फ्रेंड्स, तुम्हें के लिए हम लोगों ने अभी निन्गे का प्रयोग किया, निन्गे, यदि हमें कोई बड़ों से बोलना है, कोई बड़े हैं, आपको कन्नड़ा आती है क्या, आपको, उसके लिए क्या बोलेंगे, निम्गे, निम्गे, यहाँ पे लिख भी दिया गया फ्रेंड्स, देखिए आपको इजी रहेगा, निम्गे, देखिए निम्गे मतलब आपको। यदि हमें पूछना है आपको कन्नड़ा आती है क्या, किसी बड़े से पूछना है आपको कन्नड़ा आती है क्या, निम्गे कन्नड़ा बरत्ता, निम्गे कन्नड़ा बरत्ता, निम्गे कन्नड़ा बरत्ता, आपको कन्नड़ा आती है क्या, आती है बरत्ते या फिर बरोत्ते, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत यूजफुल सेंटेंसेस है। क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो, लग रहा है फ्रेंड्स कठिन है, क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो, लेकिन है बहुत आसान। देखिए, निन्गे तुम,
यदि आप रहेगा तो निम के बोलना होगा, ठीक है ना, हमें इस चीज को याद रखना है। बस देखिए, आप रहेगा तो हमें निमगे का प्रयोग करना है, निमगे आपके लिए, बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, निमगे कलरा माने आपको कलरा, कलियके इष्टा विद्या, कलियके इष्टा विद्या, कलियके इष्टा विद्या मतलब आप सीखना चाहते हैं क्या, कलियके इष्टा विद्या मतलब सीखना चाहते हैं क्या। तो फ्रेंड्स जहां पे भी देखिए आ की मात्रा के साथ क्वेश्चन मार्क रहता है तो समझ जाइए कि क्या एक तरह से बोला जा रहा है, ठीक है ना। निनगे कन्नड़ा कलियके इष्टा विद्या मतलब क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो, क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो, इससे जगह फ्रेंड्स क्या आप कन्नड़ा सीखना चाहते हैं, तो बस वैसे ही निनगे के जगह पे निमगे हो जाएगा, निमगे, बस निमगे कन्नड़ा कलियके इष्टा विद्या, इष्टा विद्या मतलब आप चाहते हैं क्या, आपको पसंद है क्या सीखना, ठीक है ना। निनगे कन्नड़ा कलियके इष्टा विद्या, क्या तुम कन्नड़ा सीखना चाहते हो, निमगे कन्नड़ा कलियके इष्टा विद्या, क्या आप कन्नड़ा सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स यदि बोलना है सीखना तो चाहता हूं लेकिन मुझे अभी दफ्तर जाना है तो इसको कैसे बोलेंगे, मुझे अभी दफ्तर जाना है, मुझे अभी दफ्तर जाना है, मुझे के लिए ननगे, ननगे इवागा मतलब अभी, ननगे इवागा ऑफिस गे होगबेकु, ऑफिस गे होगबेकु, तो फ्रेंड्स होगबेकु जाना है, ठीक है ना। ऑफिस के, ऑफिस का प्रयोग तो हिंदी में ऑफिस के लिए ज्यादा ही प्रयोग करते हैं ना, दफ्तर अल्ले भी बोल सकते हैं, दफ्तर के लिए, दफ्तर को ना वहां पे हिंदी जैसे बोलते हैं ना कन्नड़ में भी दफ्तर बोलते हैं, दफ्तर अल्ले बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ननगे इवागा ऑफिस के होगबेकु, ननगे इवागा ऑफिस के होगबेकु, होगबेकु जाना है, मुझे अभी ऑफिस जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बहुत बार हम पूछते हैं ना इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कैसे बोलेंगे, तो फ्रेंड्स इसे इधर के कन्नड़ा दल्ली मतलब कन्नड़ा में, इधर के हिंदी दल्ली इसे हिंदी में, इधर के इंग्लिश दल्ली इसे इंग्लिश में, बस उसके पीछे दल्ली लगा देना है, ठीक है ना। क्या कहते हैं एन हेल तारे, एन क्या, हेड मतलब कहना, हेडू हेडू बोलते हैं ना, बोलो हेडू हेडू, एन हेल तारे क्या कहते हैं, एन हेल तारे क्या कहते हैं, इधर के कन्नड़ा दल्ली एन हेल तारे इसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं, इधर के हिंदी दल्ली एन हेल तारे इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इधर के इंग्लिश दल्ली एन हेल तारे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हेलो मतलब कहो, एन हेल तारे मतलब क्या कहते हैं। तो कभी भी किसी चीज को आपको पूछना हो उससे, जैसे मान लीजिए किसी से पूछना हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तमिल में, तेलुगु में, जिसमें भी पूछना हो, तो उस लैंग्वेज का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे उसके पीछे दल्ली लगा देंगे, फिर एन हेल तारे क्या कहते हैं, एन हेल तारे क्या कहते हैं, इधर के इसे इंग्लिश दल्ली हिंदी दल्ली जिसमें बोलना है उसमें बोल सकते हैं, है ना जी फुल सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, मैं समझ नहीं पाई एक बार फिर से समझाइए, मैं समझ नहीं पाई एक बार फिर से समझाइए, है ना यूजफुल। बहुत बार होता है फ्रेंड्स हम लोग ना लैंग्वेज नहीं जानने के चलते बहुत बार चुपचाप बैठ के रह जाते हैं बुद्धू से लगता है ना, लेकिन यदि हम लैंग्वेज जानेंगे ना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूछेंगे इसे क्या कहते हैं, फिर से समझाइए, मुझे समझ नहीं आया फिर से समझाइए। चलिए आज हम देखते हैं, मैं समझ नहीं पाई एक बार फिर से समझाइए, मैं के लिए ननगे, ननगे समझ नहीं पाई, तो नहीं के लिए फिर इसमें इल्ला लगेगा, समझने के लिए अर्थवा होता है तो फिर अर्थवा आगलिल्ला, ननगे अर्थवा आगलिल्ला मतलब मैं समझ नहीं पाई। और फ्रेंड्स बोलना है मैं समझ गए अर्थाई तू, ननगे अर्थाई तू, तो फ्रेंड्स एक ही वाक्य रहेगा, इससे हम लोग कई तरह के वाक्य बना सकते हैं। देखिए नीचे इसलिए भी लिखा गया है समझ गए के लिए अर्थवाई तू या अर्थाई तू भी बोलते हैं, अर्थायतु अर्थायतु समझ गए, फिर अर्थवा गिल्ला नहीं समझ पाए, एकदम ये चीज को माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अर्थायतु समझ गए, अर्थवा गिल्ला मतलब मैं नहीं समझ पाई, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, मैं नहीं समझ पाई एक बार फिर समझाइए, मैं नहीं समझ पाई ननगे अर्थवा गिल्ला, ननगे अर्थवा गिल्ला मैं नहीं समझ पाए एक बार फिर समझाइए, एक बार फिर से इनोंदु मतलब एक बार, इनोंदु सारी एक बार फिर से, अर्थमाड़ी सी एक बार फिर से समझाइए,
इनोंदु सारी अर्था माणिसी एक बार फिर से समझाइए। एक साथ देखते हैं फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आया एक बार फिर से समझाइए। ननगे अर्थवा आगलिल्ला इनोंदु सारी अर्थ माणिसी, मतलब एक बार मुझे फिर से समझाइए। आ गया समझ में तो अर्थ आई तू। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं फटाफट कन्नड़ा में कमेंट्स करके बताइए। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट्स करके बताइए। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।